भारी बारिश ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को एक बार फिर रोक दिया। कई वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें कारें खिलौनों की तरह तैरती हुई नजर आ रही हैं। निचले हिस्सों में रिहायशी इलाकों के अलावा कई रेलवे ट्रैक भी पानी में डूब चुके हैं। लेकिन चलिए आज के वीडियो में जानते हैं कि आखिर क्यों कुछ घंटों की बारिश में ही डूबने लगती है मुंबई। नमस्कार, मैं हूँ आप सभी के साथ कृतिका और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। मुंबई में बारिश ने आफत मचाई हुई है। जल भराव की वजह से लोकल ट्रेन्स तो कैंसिल हुई ही, कई विमान सेवाओं की भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इस बीच मौसम विभाग इस बात की चेतावनी दे रहा है कि शहर को फिलहाल इससे राहत मिलने वाली नहीं। लेकिन क्या वजह है जो देश की आर्थिक राजधानी कहलाता मुंबई हर बार बारिश में डूब जाता है? जुलाई 2024 में मुंबई में तेज बारिश से सबसे बड़ा नुकसान हुआ। 26 जुलाई को 24 घंटों के भीतर 900 मिलीमीटर से ज्यादा पानी बरसा। ये वहां पूरी जुलाई की बारिश जितना था। इससे शहर के रास्ते बंद हो गए, बसें, ट्रेन से लेकर हवाई जहाज थम गए। इस दौरान पानी में फंसने या डूबने से 1000 से ज्यादा लोगों की जानें चली गईं, जबकि लगभग 550 करोड़ का नुकसान हुआ। उस मानसून ने शहर की ताकत एक झटके में खींच ली, जिसके बाद से लगातार प्लानिंग हो रही है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ने जापानी कंपनी द जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ मिलकर अंडरग्राउंड रिवर प्रोजेक्ट पर काम की बात की। इसमें नदियों से जोड़कर ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा कि ओवरफ्लो होने पर पानी दूसरी जगह जमा हो जाए और बाद में काम आ सके। अब जानते हैं कि आखिर मुंबई के डूबने की अहम वजह क्या है। देखिए, ये शहर केवल अरब सागर से ही घिरा हुआ नहीं, बल्कि यहाँ चार चार नदियाँ भी हैं, मीठी, दहिसर, ओशिवारा और पोइसर। नदियों के अलावा यहाँ चार क्रीक हैं। ये सब मिलकर लगभग 21 मिलियन की आबादी वाले शहर को मानसून के मौसम में काफ़ी खतरनाक बना देते हैं। मीठी नदी की बात करें तो पूरे मुंबई को घेरती इस नदी की ज़्यादातर जगहों पर चौड़ाई केवल 10 मीटर है। ऐसे में थोड़ी बारिश में ही पानी ओवरफ्लो का खतरा बढ़ जाता है। आसपास घनी बसावट है जिस पर तुरंत इसका असर होता है। समंदर किनारे बसा ये शहर कई जगहों पर काफ़ी नीचे बसा हुआ है, जबकि कई जगह काफ़ी ऊंचाई पर हैं। वैसे आपको ये भी बता दें कि मुंबई 7 द्वीपों के मिलने से बना हुआ है। ऐसे में उसका आकार देश के ज़्यादातर शहरों से काफ़ी अलग है। कुछ कुछ तलेदार प्लेट की तरह हैं तो कुछ में पहाड़ी खिंचाव। शहर का ड्रेनेज सिस्टम इस तरह का है कि पानी समंदर में खाली होता जाए, लेकिन भारी बारिश के दौरान जब समुद्र का स्तर बढ़ता है, ड्रेन्स के गेट बंद कर दिए जाते हैं ताकि पानी वापस शहर में लौट कर तबाही न मचा दे। और यही वजह है जिसके चलते हर साल मुंबई बारिश के पानी में डूब जाती है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए आप जुड़ रही है बोल्ड स्काई के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।